कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। अगर ऐसा हुआ तो अमेठी में लगातार तीसरी बार स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई देखी जा सकती है। फिलहाल दोनों ही नेता एक एक बार अमेठी से जीत हासिल कर चुके हैं और इस बार अगर दोनों की टक्कर हुई तो जीतने वाला नेता 2-1 की लीड बना लेगा। वहीं प्रियंका गांधी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनावी राजनीति में अपना डेब्यू कर सकती हैं। यह खबर भी कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से ही आ रही है और कांग्रेस का कोई भी नेता इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट के मामले में बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। इन दोनों सीटों को चर्चा में बनाए रखने के लिए एक के बाद एक उम्मीदवारों के नाम और नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी के नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही गांधी परिवार की पारंपरिक सीटें हैं और इसलिए कांग्रेस फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है। क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? क्या रायबरेली से चुनावी राजनीति शुरू करेंगी प्रियंका गांधी? आखिर दोनों के नाम का ऐलान करने में देरी क्यों हो रही है? अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस का गेम प्लान क्या है? अमेठी में एक बार फिर पुरानी टक्कर दोहराई जा सकती है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी के सामने एक बार फिर चुनावी ताल ठोक सकते हैं राहुल गांधी। अमेठी गांधी परिवार का वो किला है जिस पर दशकों से उनका कब्जा चला आ रहा था, लेकिन 5 साल पहले 2019 में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस का वो किला ढहा दिया। हालांकि स्मृति ईरानी के लिए अमेठी में जीत की राह आसान नहीं थी। 2014 में जब पहली बार स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची तो वो वहां के लिए बाहरी उम्मीदवार थी, जबकि राहुल गांधी 2004 और 2009 में वहां से लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे। 2014 में राहुल गांधी ने बड़ी आसानी से स्मृति ईरानी को हरा दिया, लेकिन 5 साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अपनी हार का बदला ले लिया और कांग्रेस का किला ढहा दिया। अमेठी से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो अमेठी का नाम फिर सुर्खियों में आ गया। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। एक ओर जहां राहुल गांधी के नाम पर अटकलों का दौर चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी कांग्रेस के दूसरे गढ़ रायबरेली में चुनाव प्रचार में जुटी दिखी। अमेठी से राहुल गांधी की दावेदारी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कांग्रेस को घेर लिया। जानकारी प्राप्त हुई कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार घोषित किया। ये सुना जाता था कि लोग रंग बदलते हैं, पहली बार देखा कि व्यक्ति अपना परिवार भी बदलता। और कल कांग्रेस के एक नेता ने वायनाड में ये घोषणा की कि राहुल गांधी ने वायनाड इसलिए चुनी क्योंकि उनको लगता है, राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। तो अमेठी की वफा का क्या, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे सांसद को ढोया जिसने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी की हार की भविष्यवाणी भी कर डाली। दीदी क्या हार के डर से? एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते। राजनीति के जानकारों का कहना है कि कांग्रेस सोची समझी रणनीति के तहत अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान नहीं कर रही है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं
और कांग्रेस नहीं चाहती है कि वहां की जनता में ये संदेश जाए कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में वायनाड के वोटर्स राहुल गांधी से नाराज हो सकते हैं, जिसका असर चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। वायनाड में दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को वोटिंग है, जबकि अमेठी में छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई तक चलेगी। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति यही है कि वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान किया जाए। अमेठी लोकसभा सीट कई दशकों से कांग्रेस परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। गांधी परिवार की ओर से सबसे पहले 1980 में संजय गांधी यहां से लोकसभा पहुंचे थे और इसके बाद 1981 में हुए उपचुनाव में राजीव गांधी पहली बार अमेठी से लड़े और सांसद बने। 1984, 1979 और 1991 में भी राजीव गांधी यहां से जीते। हालांकि 1991 में नतीजे आने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी। 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी से जीत दर्ज की, जबकि 2004, 2009 और 2014 में लगातार 3 बार राहुल गांधी अमेठी से सांसद बने, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हरा दिया। अमेठी की ही तरह रायबरेली भी कांग्रेस परिवार का गढ़ है। कांग्रेस का ये किला कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2019 की मोदी लहर में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही सीट बचा पाई थी। बीते 20 सालों से सोनिया गांधी रायबरेली की सांसद रह चुकी हैं, लेकिन इस बार जब उन्होंने राज्यसभा की राह पकड़ी तो लगा कि कांग्रेस ने अब अपना गढ़ छोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी मां की विरासत को आगे बढ़ाएंगी और रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। रायबरेली में कांग्रेस की तलाश खत्म। प्रियंका संभालेंगी रायबरेली की बागडोर। मां की विरासत को आगे बढ़ाएंगी प्रियंका। सोनिया गांधी ने राज्यसभा की राह चुनी तो अटकलों का दौर तेज हो गया कि रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि कई दिनों की माथापच्ची के बाद कांग्रेस एक बार फिर गांधी परिवार के द्वार पर पहुंच गई और कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका के नामों का ऐलान एक साथ ही करेगी। हालांकि प्रियंका गांधी के लिए मां सोनिया गांधी की विरासत को बचाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनको 3 तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती है राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हुए। दूसरी चुनौती है कांग्रेस की पूर्व विधायक अदिति सिंह, जो 2022 की विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गई और विधायक बनी। और तीसरी चुनौती है समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज कुमार पांडे, जो अब बीजेपी का हिस्सा है। मनोज पांडे रायबरेली की सभी विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। बीते 3 लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो पाते हैं कि रायबरेली में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। साल 2009 के चुनाव में सोनिया गांधी को 72% वोट मिले, जबकि बीजेपी के आरबी सिंह को 4% वोट मिले। 2014 के चुनाव में सोनिया गांधी को 64% वोट मिले, जबकि बीजेपी के अजय अग्रवाल को 21% वोट मिले। 2019 में सोनिया गांधी को 56% वोट मिले, बीजेपी के टिकट पर उतरे दिनेश प्रताप सिंह को 38% वोट मिले। ये आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस के लिए रायबरेली की राह उतनी आसान नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। अगर प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ी तो वो ऐसा करने वाली गांधी परिवार की 4थी महिला और 5वीं सदस्य होंगी। 1952 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे तो प्रियंका गांधी के दादा फिरोज गांधी यहाँ के पहले सांसद चुने गए थे। वहीं प्रियंका से पहले उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल और मां सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रह चुकी हैं। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बन गई है, वो इसलिए क्योंकि वहां राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में आमने सामने आ गए हैं। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती का इस सीट पर मुकाबला डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद से होगा। राजनीति में कब कौन कहां सियासी पलटी मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।
इसकी एक ताजा मिसाल जम्मू कश्मीर से सामने आई है, जहां कल तक जो एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए जी जान से जुटे दिख रहे थे, वो दल ही आज एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। इसमें महबूबा मुफ्ती खुद अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगी, जिसमें उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद से होगा। क्यों जो कहते हैं कि वहां से क्यों नहीं लड़े, वहां से लड़े, उनके लिए तमाम लोगों के लिए कहता, गुलाम नबी आजाद महाराष्ट्र से भी लड़ सकता है और वहां से भी जीत सकता है। इसके अलावा सेंट्रल श्रीनगर सीट से वहीद उर रहमान परा और बारामूला सीट से फयाज अहमद मीर को पीडीपी ने उम्मीदवार बनाया है। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि घाटी के लोगों की आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। जैसे मैं कहती हूं, मैं फाइटर हूं और मुझे अपने वर्कर पे यकीन है, तो मैंने सोचा ये चैलेंज कबूल करूं मैं और मैं वहां लड़ूं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे पहले ही अनंतनाग राजौरी सीट से गुर्जर नेता मियां अल्ताफ को मैदान में उतार चुकी है, जिनकी इलाके में मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि उमर अब्दुल्ला इससे पहले ही पीडीपी से सीट बंटवारे पर निशाना साध चुके थे। तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, आप जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहां से हक बनता है, और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। वहीं बीजेपी भी इन सीटों पर जीत के लिए सियासी समीकरण बिठाने में जुटी है। माना जा रहा है कि पीडीपी के चुनावी मैदान में आने से होने वाले वोटों के बंटवारे का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यहाँ गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिग्गज ट्राइबल लीडर मियां अल्ताफ भी मैदान में है, और जिस तरह से डिलिमिटेशन के बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जियोग्राफिकली बनाया गया है, उसमें मियां अल्ताफ का पल्ला भी बारी दिख रहा है। कैमरा पर्सन फाह मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। अनंतनाग राजौरी सीट को नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है, और यही वजह रही है कि इंडिया गठबंधन में शामिल पीडीपी से बिना बात किए ही फारूक अब्दुल्ला ने वहां से अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी इसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, और अब उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद से भी होगा। अनंतनाग सीट के समीकरण की अगर हम बात करें तो परिसीमन के बाद इस लोकसभा सीट में 18 विधानसभाएं आ गई हैं, जिसमें अनंतनाग में 7, कुलगांव में 3 और पुंछ में 3 हैं। शोपिया के 1 और राजौरी में 4 विधानसभाएं हैं। यहाँ पहाड़ी, गुज्जर, हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं की तादाद है, जिसमें पहाड़ी और गुज्जर वोटर्स हार और जीत के फैसले में अहम साबित हो सकते हैं, और इस सीट पर अधिकतर समय फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है। लेकिन पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने 2004 और 2014 में इसी सीट से जीत दर्ज की थी, जबकि 2009 और 2019 चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां से जीत दर्ज की थी। वहीं गुलाम नबी आजाद की अगर बात की जाए तो 2014 में वो उधमपुर से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह से उन्हें शिकस्त मिली थी, जिसके बाद अब वो खुद की पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अनंतनाग सीट से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। इस बीच जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान भी हो गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जबकि उधमपुर, लद्दाख और जम्मू की सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस दौरान दोनों ही पार्टियों ने इन सीटों पर अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो 6 सीटें हैं, यहाँ पे हम मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और 3 सीटों पे हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। बिहार की सियासत में इन दिनों 26 साल की शांभवी चौधरी का नाम खूब सुर्खियों में है। जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से समस्तीपुर का उम्मीदवार बनाया गया है। तो
सियासत की दुनिया में शांभवी चौधरी का नाम नया है, लेकिन उनकी पहचान पुरानी है। जिस उम्र में लोग राजनीति की ABCD सीखते हैं, उस उम्र में शांभवी चौधरी को सीधे लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी का टिकट मिल गया। और यही वजह है कि बिहार में इन दिनों शांभवी चौधरी का नाम सुर्खियों में है। शांभवी चौधरी को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार इस सीट से उनके चचेरे भाई प्रिंस राज चुनाव जीते थे, लेकिन 2021 में पार्टी टूटकर अलग हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार चिराग ने समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। चिराग भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने कम उम्र की महिला पे उन्होंने भरोसा दिखाया। उनकी उम्मीदों पे मैं खड़ी उतरूंगी और समस्तीपुर जीत कराऊंगी। शांभवी चौधरी को जब टिकट मिला तो वो खुशी से दौड़ती हुई आई और अपने पिता से गले लगकर रोने लगी। शांभवी चौधरी अपने पिता अशोक चौधरी को ही अपना आदर्श मानती हैं और उनके पिता भी अपनी बेटी का हर सपना पूरा करने के लिए उनके साथ खड़े नजर आते हैं। सियासत की दुनिया में बेहद कम उम्र में मिले इस मौके का शांभवी भी फायदा उठाना चाहती हैं, लिहाजा इसके लिए वो भी कड़ी मेहनत करती नजर आई। समस्तीपुर सीट पर शांभवी टिकट मिलने के बाद से ही अपने पिता और पति के साथ प्रचार में जुटी हुई दिखाई दी। समस्तीपुर सीट से मिले सियासी मौके को जीत में बदलने के लिए इन दिनों शांभवी चौधरी ने दिन रात एक कर दिया है। समस्तीपुर में चौथे चरण में मतदान होगा, जिसके लिए 19 अप्रैल को नामांकन होगा, लेकिन उससे पहले ही शांभवी चौधरी पूरे जी जान से चुनाव प्रचार में जुटी नजर आईं। समस्तीपुर में शांभवी चौधरी का चुनावी काफिला जहां से भी गुजरा वहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान उन्होंने वहां लगी बाबा साहेब अम्बेडकर, भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर और सत्य नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। साथ ही शांभवी ने युवाओं के विकास के लिए काम करने का भरोसा भी दिया। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लोग के लिए काम करना है और समस्तीपुर के आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया समस्तीपुर तैयार करना है। शांभवी चौधरी को इस दौरान अपने पिता के राजनीतिक अनुभव का साथ भी मिला। चुनाव प्रचार के दौरान शांभवी के साथ उनके पिता अशोक चौधरी भी कई जगहों पर नजर आए। वहीं शांभवी के पति सायन कुणाल भी पूरी तरह से इस चुनावी प्रचार में उनका साथ देते दिखाई दिए। इसी के लिए मेहनत कर रहे थे, तो सोचा था कि आएंगी और अचीव भी करेंगे, जो हम लोगों ने साथ में एक साझा सपना देखा है उसको अचीव करेंगे, ये सोचा था, तभी तो मेहनत किया और उसको आज कामयाबी मिली है, तो अच्छा लग रहा है। शांभवी चौधरी बेहद कम उम्र में सियासत के चुनावी दंगल में उतर आई हैं, लेकिन राजनीति से उनका रिश्ता पुराना रहा है। शांभवी चौधरी के दादा महावीर चौधरी कांग्रेस में थे, 9 बार विधायक रहे महावीर चौधरी, कई सरकारों में मंत्री भी रहे। पिता अशोक चौधरी JDU से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी नीतीश सरकार में मंत्री हैं और दलित नेता के तौर पर उनकी पहचान है। शांभवी के पति सायन कुणाल IPS अधिकारी किशोर कुणाल के बेटे हैं। शांभवी फिलहाल अपने पति के ज्ञान निकेतन स्कूल की निदेशक हैं। शांभवी को भले ही टिकट मिल गया है, लेकिन उनकी लड़ाई एक तरफा नहीं है, क्योंकि इलाके के लोग स्थानीय समस्याओं के लिए शांभवी के बाहरी उम्मीदवार होने का मुद्दा भी उठा सकते हैं। देश में लोकतंत्र के महापर्व यानी आम चुनावों का शोर खूब तेज है। सियासी दल महिला वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम वादे भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि चुनावों में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों के मुकाबले बेहद कम है। बतौर वोटर तो महिलाएं पुरुषों के बराबर हो गई हैं, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी बहुत कम है, जिसे बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग और पार्टियों के प्रयासों से महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी 1962 में 42% से बढ़कर 2019 में 48% हो गई, जो आबादी में उनकी हिस्सेदारी के बराबर है। लेकिन इस दौरान उम्मीदवार के तौर पर महिलाओं की हिस्सेदारी 3% से बढ़कर 9% ही हो पाई और 2019 में सिर्फ 14% महिलाएं सांसद बनी, जो उनके लिए निर्धारित 33% आरक्षण से बेहद कम है।
इसे एक और तरीके से हम आपको समझाते हैं। 1996 से 2019 तक के 7 चुनावों में किसी भी बड़े राष्ट्रीय दल ने महिलाओं को 15% से अधिक टिकट नहीं दिए, भले ही वो एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ही क्यों ना हो, जिसने सितंबर 1996 में संसद में महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। कुछ ही चुनाव ऐसे थे जिसमें पार्टियों ने महिलाओं को 10% से अधिक टिकट दिए। साल 1996 से 2019 के बीच के आंकड़ों की अगर बात करें तो 1996 में बीजेपी ने 8% और 2019 में 13% महिलाओं को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने 1996 में 9% जबकि 2019 में 13% महिलाओं को ही उम्मीदवार बनाया, जबकि सीपीआई ने 1996 में 7% और 2019 में 8% महिला उम्मीदवार उतारी। सीपीएम ने 1996 में 7% जबकि 2019 में 15% महिलाओं को टिकट दिया। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो उसने 1996 में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया जबकि 2019 में 6% महिलाओं को टिकट दिया। हालांकि चुनावों में मतदाता और प्रतिनिधि के तौर पर महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन इसकी रफ्तार कई दूसरे मुल्कों से बेहद धीमी है। न्यूजीलैंड में 50% से अधिक महिलाएं सांसद हैं, स्पेन में 43%, फ्रांस में 37%, जर्मनी में 35%, यूके में 35% और इटली में 32% महिला जनप्रतिनिधि हैं। संसद में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत न केवल यूरोपियन देशों बल्कि अपने पड़ोस में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे है। आंकड़ों की अगर बात करें तो नेपाल की संसद में 33% महिलाएं हैं, वहीं बांग्लादेश में करीब 21% और पाकिस्तान में भी करीब 21% महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। शेयर बाजार ने आज कई रिकॉर्ड तोड़कर सेंसेक्स और निफ्टी में ऑल टाइम हाई बनाया, तो वहीं सोने और चांदी के भावों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ऐसे में अगर आप नई निवेशक हैं और निवेश करना चाहती हैं तो कब और कैसे निवेश करना है ये बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। मैडम सर की दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेंसेक्स और सोना दोनों रेस लगा रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं तेजी से, और आज मालूम है क्या हुआ है, दोनों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। आज इक्विटी मार्केट भी लाइफ टाइम हाई पर पहुंचे और सोना भी हमारे बाजारों में ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा है, और पहली बार इतिहास में सोना 71,000 के पार निकला है हमारे बाजार में, और ग्लोबल मार्केट में $2372 का हाई बनाया। भाई न रुकता है, न झुकता है, न थकता है, न घटता है, ये है गोल्ड का जबरदस्त मूव, अच्छी तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब आप एक तरफ खुश हो सकती है कि आपके पास जो सोना पड़ा है उसमें तेजी बन रही है, लेकिन हम तो और खरीदना चाहते हैं, तो खरीदने का मौका शायद बाजार थोड़े वक्त बाद दे, अभी तो तेजी का मूड है और इस तेजी के मूड में लोग मान रहे हैं कि थोड़ा और बढ़ सकता है। अच्छा, सोना तो पहले बढ़ गया और अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे पीछे चांदी ने भी अपनी चाल पकड़ ली है, और आज चांदी ने भी भारतीय बाजारों में अब तक का सबसे ऊंचा स्तर रिकॉर्ड लेवल छुआ है, 82,000 के ऊपर चांदी भी निकली है, तो चांदी का भी रिकॉर्ड बना है हमारे, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना, बाहर डॉलर टर्म्स में अभी भी चांदी लाइफ हाई पर पहुंचने में थोड़ा सा बाकी है, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए चांदी का 82,000 का लेवल हमने इतिहास में पहली बार देखा है, तो सोने और चांदी में बेतहाशा तेजी हो रही है और ये तेजी रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग कह रहे हैं कि अभी भी 1,000-2,000 रुपए की तेजी तो कम से कम गोल्ड में बाकी है, चांदी हो सकता है 85,000 के आसपास पहुंचकर फिर रुके, तो बस यही है कि आप इंतजार करें, अगर नया खरीदना है तो कब जब कभी नीचे आएगा, लेकिन अब नीचे आके भी कितना आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वापस मुझे सोना 60-62 में लेने का मौका मिलेगा, लगता नहीं। चांदी अगर आप वापस से सोचते हैं कि नीचे में अगर मुझे 65-70,000 की रेंज में मिले, फिलहाल तो लगता नहीं है, तो देखिए इंतजार कीजिए और जो है आपके पास उसको पकड़ के बैठिए बिल्कुल, तो सोने और चांदी में निवेश करने वाले की चांदी ही चांदी है। Z News।